नक्षत्र सोप एंड कैंडल मैजिक की रेमेडीज हैं, ये हम लोगों ने पिछले 4 साल से यूज कर रहे हैं और अब मैं इसको इंडिया में लॉन्च के लिए कि भाई आप लोग सीखें और आप इस चीज को आगे लेके जाएं, बिकॉज दिस इज माय रिसर्च फॉर लास्ट 3 इयर्स और इसमें हमने रिजल्ट्स देखे हैं। इसके लिए आप लोगों के जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा ज्वाइनिंग का, कि भाई जो भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करेगा उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि उसको वैदिक या केपी एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट रेमेडीज की बात करेंगे। हम यहाँ पे बेसिक कोई एस्ट्रोलॉजी की कोई पद्धति सिखाएंगे नहीं। तो अगर आपको वैदिक आती है या मालूमात भी है थोड़ी, अपनी कुंडली को आप खाली ऊपर ऊपर से भी देख पाते हो, या आपको केपी की नॉलेज है, तो आप ये कोर्स के लिए एलिजिबल हो ज्वाइन करने के। पहला तो हमारा ये रूल है। सेकंड, जो इसमें क्लासेस रहेंगी उसके लिए हम एक-एक 28+ क्लासेस होंगी और उसमें हम एक-एक नक्षत्र को लेके चलेंगे और उसका हर क्लास में आपको जो है एंड में उस सोप को बनाना दिखाया जाएगा कि वो सोप बनता कैसे, उसको रिचार्ज चार्ज कैसे करना है, कब बनाना है, आपने कौन सी चीज के लिए कौन सा सोप बनेगा आपका। इसमें आपके लिए दो फायदे हैं कि एक तो आप सोप्स उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी होती है इन सोप्स की, ऐसा नहीं लगता है कि भाई आपने जो है इट जस्ट लुक लाइक नेचुरल ऑर्गेनिक सोप्स की तरह होते हैं, प्लस उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, प्लस इसके अंदर कोई भी स्किन के ऊपर कुछ भी होने का कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि 27 से 28 सोप्स आपको मिलेंगे, 28 के 8 सोप्स टेस्टेड हैं सारे, और इसके अंदर मतलब छोटे बच्चों से लेके बूढ़े इंसान तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर एक क्लास जो 2 घंटे की रहेगी उसमें एक नक्षत्र को हम जानेंगे, उस नक्षत्र से रिलेटेड रेमेडीज हम जानेंगे, उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है वो टेक्निक भी हम जानेंगे, और फिर आप हम लोग वो सोप बना के क्लास को एंड करेंगे। लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड जो भी हमारे पास लिस्ट इसके लिए हमें जरूरत है वो हमारी एकेडमी आपको प्रोवाइड कर देगी। यानी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी इसकी तो आपके पास सारी इंग्रेडिएंट्स आपके पास होंगे। तो हर क्लास में एक-एक नक्षत्र पे हम लोग काम करेंगे और एंड ऑफ द कोर्स में आपके पास सारे सोप्स बन के तैयार हो जाएंगे और आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। उसको चार्ज कैसे करना है, किस दिन बनाना है, क्या क्लाइंट जो आपके पास है आपने कैसे देना है, वो सारी चीजें। फिर आती है बात कैंडल मैजिक्स की। कैंडल मैजिक, मैंने एक चीज नोट करी है कि आप लोग ऑफिस में बैठे हो या आपका क्लाइंट बिजनेस में है, कोई शॉप है, कोई फैक्ट्री है, तो कैंडल्स उसकी ही सेम जिस चीज जो रेमेडी आप घर पे कर रहे हो इन द सोप फॉर्म, वही उसी चीज की कैंडल जो है वो अपने वर्क प्लेस पे लगाता है तो उससे उसको डबल बेनिफिट मिलता है। बेसिकली ये जो रेमेडीज हैं ये क्या चीज आपको बताती है, ये आपको टू वार्ड ऑफ योर नेगेटिविटी इन योर लाइफ, लेकिन वो नेगेटिविटी का एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपको आ रहा है, उस पॉइंट को हम लोग पिन पॉइंट करके रेमेडीज देते हैं। इसके अंदर आपको मोस्टली हर चीज की रेमेडी मिलेगी, कोर्ट केस हो गया, शादी हो गई, रिलेशनशिप हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, तो उसको देना कब है, कैसे देना है और क्या चीज चेक करके देना है, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। बट यस, इस कोर्स को करने के लिए जो भी इसको ज्वाइन करेगा उसके लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा कि उसको वैदिक की नॉलेज हो या केपी की नॉलेज हो, यानी वो एस्ट्रोलॉजी में नया नहीं हो, वरना कोर्स सर के ऊपर से जाएगा, वो सिर्फ सोप बनाना सीखेगा। उसको जैसे आप डॉक्टर्स हैं, आपने प्रिस्क्रिप्शन देना है सामने वाले को, आपने प्रिस्क्राइब करनी है मेडिसिन,
वो आप नहीं कर पाओगे अगर आपको बेसिक नॉलेज या आपका जो बैकग्राउंड है वो वैदिक या केपी से नहीं होगा। बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग हैंड रेस करके क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं एक-एक से बात करूंगी, जिन जो भी आपकी डाउट्स हैं उनको हम लोग निकाल सकते हैं, बात उस पे हम कर सकते हैं। तो प्लीज जिनके भी कोई क्वेश्चंस हैं वो प्लीज हैंड रेस करें। जी मनविंदर जी, जी मैम, मैम मैं आप अभी बता रहे थे तो अगर नहीं है मुझे, जैसे अब मैं बिल्कुल, तो फिर क्या क्या करें उस चीज का, कैसे कर सकते हैं? मनविंदर जी आप जो हैं फिर वही है ना, मैंने क्या मैंने आप अभी यही कहा कि आपके लिए फिर ये सिर्फ एक सोप बन जाएगा, बट जिनको नहीं पता है बिल्कुल भी उनके लिए थोड़ा सा मतलब काफी ज्यादा मुश्किल होएगा समझ पाना कि सोप किस चीज में एक यूज होना है, क्योंकि ये सारा कनेक्शन जो है हमारी एस्ट्रोलॉजी साइंस से है इसका कनेक्शन। ओके, जी तो उस तो मैम केस में उसमें क्या आप उसको जरा खाली बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कैसे? बेसिक मतलब आपको बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए कि हमारी कुंडली में 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं और हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। तो मैम आप उसका ओवरव्यू वगैरह नहीं दोगे कुछ? नहीं मैं बेसिक नहीं सिखाऊंगी ना इसमें मनविंदर जी, क्योंकि ये कोर्स है सिर्फ नक्षत्र सोप्स एंड कैंडल मैजिक का। ओके, जी तो मैं ये नहीं ठीक है सिखाऊंगी मैम। आपको कि भाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, मैं आपको आगे की जर्नी की भी आप कौन सी चीज के लिए क्या इस्तेमाल करें और आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। ठीक है मैम, ठीक है। जी।